मैं मुमीना आपकी दोस्त ट्रैवल एंड इवेंट ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी कुछ समय के लिए मैं डिले कर रही हूँ, आपको यात्रा नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस। आज फिर मैं आई हूँ पिपलोदा अपने मेन ससुराल में और अंदर चलेंगे। अभी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने ब्यूटीफुल फैमिली गोरा फैमिली से। मैं आपको मिलवाती हूँ, नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। वेलकम वेलकम, आप ही हमारे दीदी जी और हमारे काकी साहब कोटा से, और ये आ गए हमारे परम प्रिय जेठ जी। आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए आइए। पूरा साहब इनकी तरफ से आज फैमिली में एक फंक्शन होने जा रहा है, रात्रि जगह लगता है हम लोगों का देवता का, तो वो बहुत बड़ा फंक्शन है और कुटुंब पूरा आया हुआ है फैमिली। तो चलिए नमस्कार मेरी फैमिली से, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। ये है हमारे चिंकी दी ननंद, हमारी सबसे एक्टिव, और ये है मेरा प्यारा भांजा, हमारी छोटी ननंद का बेटा, नाम भूल गए बेटा, चिन्मय, चीनू, चीनू बोलते हैं हम इनको प्यार से। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली से, हेलो कर लो, हाय। हम लोग बहुत मजे करने वाले फ्रेंड्स की पहुंचे, और नेहा इनको फर्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलवा ही चुकी हूँ, हमारी आशा भाभी की बहू, हमारी देवरानी, और ये दी हमारे अहमदाबाद से, अहमदाबाद वाले हमारे दीदी भाई साहब, ये है हमारे जमाई साहब दोस्तों, पूरा पूरा फैमिली, इतना बड़ा फैमिली है दोस्तों कि मुझे पता ही नहीं चलता। पापा बताते थे कि ये है वो है, सबसे हाय हेलो जरूर कर लेती हूँ लेकिन पहचान नहीं पाती कौन क्या है। तो आप हमारे जमाई साहब, तो जमाई साहब का तो अतिथि देवो भव स्वागत, और आप हमारे भाई साहब, सही और ये हमारे काकी जी, इनसे भी मैं आपको मिलवा चुकी हूँ काका साहब के बर्थडे पर। तो काकी जी नमस्कार कर लीजिए, काकी जी आप, हाँ ठीक है बढ़िया। और आप है हमारे काकी जी अहमदाबाद से, हमारे परम पूजनीय, और बहुत सालों बाद मेरा इनसे मिलना हुआ है। काकी जी मेरी YouTube फैमिली से नमस्कार कर लीजिए, तो दोस्तों बने रहिएगा। और शाम की 6 बज रही है, कुछ फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, और सभी से आपको मिलवाऊंगी। और अभी हो गया है वक्त खाने का, तो हम लोग चल रहे हैं खाने का, जस्ट की पहुंची, सबको देख के बहुत खुशी हुई, सबसे मिलना आया था, हमको मजा आया, बिल्कुल बिल्कुल काकी जी, हमें भी बहुत खुशी हुई है और हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, अभी चलते हैं हम खाना खाने, जहाँ पे खाने की व्यवस्था की है, तो चलिए चलते हैं। और आप है हमारे अहमदाबाद वाले काकी जी, भी लगते हैं भाभी भाभी भाभी, लेकिन मैं भाभी बोलूंगी, तो अहमदाबाद वाले हमारे भाभी जी, बहुत सालों बाद मिला हुआ भाभी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपको भी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और ये हमारे जेठानी जी रेखा, तो जानते ही होंगे, फैमिली की सबसे बड़ी बहू भाभी, हाय हेलो, ये हमारी अमिता भाभी, हाय फ्रेंड्स, अलका भाभी, पहले ब्लॉग में हमने आपको मिलवा चुके हैं और अभी भी, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सब लोग निकल रहे हैं खाने के लिए, भोजन शाम का देखते हैं हमारे कालू भाई साहब ने क्या भोजन बनवाया है। आशा भाभी रेडी? रेडी। ओके रेखा भाभी चलते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके आई हूँ हमारे जहाँ भोजन बन रहा है, तो देख सकते हैं आप गरम गरम रोटी उतर रही है, भैया नमस्कार,
सब्जी कैसी बनाई है जरा आप दिखाएं हमें, दिखाइए दिखाइए सब्जी हमारी स्पाइसी। बोरा फैमिली में थोड़ा मिर्ची विर्ची तेज खाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कैमरा हमने घुमाया हमारे अहमदाबाद के जीतू भाई साहब से मिलिए आप। तो भाई साहब हमारी यूट्यूब फैमिली से नमस्कार कर लीजिए आप। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया एकदम। बहुत सालों बाद आपसे मिलना हुआ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। नहीं नहीं धन्यवाद आपने हमको। तो एक ब्लॉग कवर कर रही हूँ, छोटा सा सपोर्ट कीजिएगा सभी। नहीं नहीं 100%। नमस्कार भाई साहब, क्या लाए आपके लिए? मटर पनीर। मटर पनीर सर्व किया जाए इधर, मटर पनीर। और देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, सभी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, कुछ भोजन ले रहे हैं, कुछ को रात को जल्द फिर भूख लग जाएगी, इसलिए सभी लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ी देर से खाना खाया जाएगा। भाई कोई आ जाओ परिचय कराने। नमस्कार सभी को, मीना बोरा का। आप तो मुझे पहचान ही गए होंगे सब, लेकिन मैं परिचय करती हूँ अभी आपसे। अच्छा सचिन भैया, नमस्कार भाई साहब। ये हमारे छोटे सरकार। छोटे सरकार, हेलो बेबी। बेबी बाबू हाय। चीनू कैसा बना भोजन? चीनू बताएंगे, खाना अच्छा बना। और दोस्तों चलिए चलते हैं अब लेडीज डिपार्टमेंट में। सबसे पहले कौन कौन खाना खाने बैठा है देखते हैं। तभी मैं कहूं कि भाभी जी पहचान में, दीदी पहचान में नहीं आ रहे हैं, चेहरा नीचे किए हुए हैं। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार, पाए लागू। चाची जी हमारे भोजन में व्यस्त हैं तो वो अभी चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनका चेहरा मैं आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। कैसा बना चिंकी दी खाना? मस्त। हेलो हमारी बहू रानी, और संतोष जी भी आ गए थे, परोसगारी कर रहे हैं, और अब हम खाना खाने बैठे हैं। चलो भाई यहीं से नमस्कार कर लो। आशा भाभी हाय, हेलो, नेहा, अमिता भाभी, संगीता भाभी, हाय फ्रेंड्स, हेलो। हम लोग भोजन कर रहे हैं शाम का, कीप वॉचिंग मेरा चेहरा। तो दोस्तों ये है हमारे अर्घ्या खाल से फैमिली मेंबर्स। भाई साहब आपका नाम? मुकेश कुमार वोरा। मुकेश कुमार जी वोरा, मुकेश वोरा, हाँ भूल जाती हूँ। और आप हैं हमारे जेठ जी परमेश्वर जी वोरा। भैया नमस्कार, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। एक पारी अपन रात का डिनर और लेंगे, जरूर रात की जगह के बाद, क्योंकि मुझे भी भूख लगती है रात को। अपने कुछ मंगवाएं? बिल्कुल, तो एक पार्टी और होगी रात में 12 बजे बाद। संतोष जी नमस्कार। सिद्धांत बाबू हेलो हाय। और देख सकते हैं दोस्तों जिन्होंने भोजन कर लिया है वो सभी बैठे हैं। हेलो। और दोस्तों रात्रि भोजन के बाद देवता का जो पूजा पाठ होता है तो पाटला भरा जाता है, और जिस कार्य के लिए सभी फैमिली मेंबर्स एकत्रित हुए थे वो कार्य शुरू हो चुका है। काकी साहब हमारे ये कार्य कर रहे हैं। देवता का पाटला भरा जाता है और सभी महिलाएं अंदर बैठी हैं, जेंट्स बाहर बैठे हैं। देख सकते हैं आप रात्रि सभी के भोजन के बाद ये काम कार्य शुरू होता है। सभी बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं ब्लॉग कवर कर रही हूँ लेकिन काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और देख सकते हैं दोस्तों आप ढोल बजाने के लिए भाभी आ चुके हैं, और भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे वोरा फैमिली मेंबर्स, क्या बात है। अंदर रात की जगह देवता के पाटले भरने की तैयारी चल रही है, और बाहर देखिए आप
अलाव लगाया हुआ है, क्या बात है भाभी जी, कैसा लग रहा है अलाव में आपको? मजा आ गया? क्या बात है। और आप हमारे दिलीप भाई साहब से नहीं मिले हैं? प्रणाम राजमाता। ये हमारे बड़े नटखट जेठ जी हैं जो बड़ी छेड़खानी किया करते हैं, देख सकते हैं आप सभी मजे ले रहे हैं। अलाव के संतोष जी, क्या बात है, कैसा लग रहा है फैमिली के साथ? महेश भाई साहब, संतोष धीरे क्यों? अरे क्या बात है भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। काकी जी, कैसा लग रहा है पिपलौदा में? यादगार है, यादगार लम्हा बनाने वाली हूँ मैं। बनाना और भेजना भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो क्या बात है, हाँ ये तो मालूम है मुझे, जानती हूँ, लेकिन बहुत साल बाद मिलना हुआ है तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, सभी फैमिली मेंबर्स कुछ अंदर बैठे हैं। और चिंकी जी, डांस वांस की तैयारी है कि नहीं? कुछ कर लेंगे जी। अच्छा अच्छा, और इधर आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। ओहो क्या बात है, बच्चा पार्टी तो नहीं कह सकते भाई, हमारे देवर जी भी बैठे हैं यहाँ पे। एक और अलाव लगाया गया है जहाँ पर देख सकते हैं आप, अलग अलग एंजॉय चल रहा है, एक ग्रुप बना लिया है, क्या बात है। कैसा लग रहा है आप लोगों को पिपलौदा में यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बुरा फैमिली में। हरीश भाई साहब, इतनी ठंड लग रही है आपको? मेहमान नहीं अपने, आप उनको दीजिए, आप खुद ओढ़ के बैठ गए। तो हमारे जमाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? देख सकते हैं दोस्तों आप, व्यवस्था की गई है सभी के लिए, गादी वादी लगाई हुई है, मस्त कंबल ओढ़ के सभी बैठे हैं और रात्रि जागरण की तैयारी चल रही है। इधर अलाव अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और बैठे हैं सभी। तो भैया हाय बेटू, हेलो हाय। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद आपको अंदर लेके चलेंगे जहां देवता की रात्रि जागरण की तैयारी चल रही है। तो हैव अ एंजॉय विद फैमिली। अब व्लॉग बनाने के चक्कर में मीना तो वीडियो में आ ही नहीं पाती हैं, तो संतोष जी वीडियो कवर कर रहे हैं और मैं थोड़ी देर बैठी, काकी साहब के साथ बातें की, खूब एंजॉय किया, अंदर भी जाती रही, बाहर भी बैठी, सबके साथ खूब मज़े कर रही हूँ। और दोस्तों बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा वीडियो बहुत अच्छा व्लॉग बना है। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टे विद मी। भैया कुर्सी ले लेते ना, कब आया? तो दोस्तों देख सकते हैं आप, देवता के रात्रि जागरण में पाटला भरने के बाद देवता को आमंत्रित किया जाता है और ढोल बजता है और घर की बहुएं गौनीत और पल्लू से वाट जोती है, देवता को आमंत्रित किया जाता है। तो परिवार की सभी बहुओं के साथ मैंने भी ये कार्य किया और देवता को आमंत्रित किया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप, सभी फैमिली लेडीज़ मिलकर देवता के पूर्वज बाबूजी की भजन गाए जा रहे हैं और हमारी आशा भाभी जी को जो है पूर्वज बाबूजी पधारते हैं तो वो पधार चुके हैं और सभी फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे एक एक करके अपनी समस्या का निवारण करेंगे, पूछेंगे, उनको धोक देने के लिए आएंगे। और देख सकते हैं आप, आप
और देख सकते हैं दोस्तों आप, देवता से आशीर्वाद लेने के लिए सभी सदस्य खड़े हैं और जेंट्स के हाथों से धूप दिया जाता है। तो सभी फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे आए और देवता को धूप देने का कार्य किया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है दिलीप भाई साहब इंदौर से पिपलोदा में आके? आनंद आ रहा है, आप ऐसे बुलाते रहो हमको। बिल्कुल बुलाने की जरूरत ही नहीं, आपका घर है, आपका परिवार है, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। फ्रेंड्स, देवता का राती जगह जो हम लोगों का लगता है वो कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं आप आशा भाभी और हम लोग नाइट रात में 12 बजे पूड़ी और मिर्ची के हम लोग बहुत शौकीन है और नमकीन सेव तो ये भाभी पैक करवा के लेके आए थे भाई साहब से और हम लोग अब पूड़ी और तली हुई मिर्ची का एंजॉय लेंगे रात के 12 बजे। तो और कल सुबह मिलती हूँ मैं आप सब से देवता के यहाँ, हम लोग सब विद फैमिली धोख देने जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, अगली मॉर्निंग में आ चुकी हूँ, गुड मॉर्निंग सबका हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ लेकिन देख सकते हैं फैमिली मेंबर सभी आ गए हैं और नाश्ता चल रहा है। चलिए मिलवाते हैं आपको सबसे, गुड मॉर्निंग करवाते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, कैसी रही नाइट? बढ़िया। अच्छा लगा पिपलोदा में? ओके। हाय भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। नमस्ते आंटी, जय जिनेन, जय जिनेन, गुड मॉर्निंग। अकेले अकेले शुरू हो गए आप, गरम गरम जलेबी, मेरा इंतजार नहीं किया। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल सही बात है। ओहो हो हो हो, क्या बात है, रात से ढूंढ रही हूँ हमारी नीता भाभी को मैं कि कहाँ है कहाँ है, चार बार पूछा होगा मैंने, फिर पता चला कि आप ऊपर बैठी थी। कैसे भाभी? हमारी बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग लोचन। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, गरम गरम जलेबी बन रही है और आलू बड़े पोहे जो कि मालवा का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है। नमस्कार भैया, अंकल जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग भैया, नमस्ते। नाश्ता हो गया सबका? गुड मॉर्निंग सचिन भैया, जीजा श्री, और कुछ लाऊं भैया? नमस्ते, पहचान लिया मीना भाभी को? आ रहा है ये कैमरा आप ही की तरफ आ रहा है, अब आपसे हम कैसे भूल सकते हैं, वो सुई धागा आपका सुई, हाँ, वो कहाँ गई? लीजिए लीजिए, नाश्ता कीजिए। हाय दीदी, नंबर दीजिएगा सबका। हाय नेहा, हरीश भाई साहब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जमाई साहब, नाश्ता कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। बढ़िया, पूरा पहली बार मिल रहे हैं हम आपसे और कभी देखा भी होगा तो फिर पहचाना नहीं होगा, अब पहचान गई सबसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आलू बड़ा दिखा के मतलब आप मेरे को, अब मुझे वीडियो कवर करना छोड़ना पड़ेगा और आलू बड़ा खाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम कमिंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी फैमिली मेंबर्स को मैंने पहले कवर अप किया है और अब मैं नाश्ता लेने बैठी हूँ और हमारे मालवा का प्रसिद्ध स्पाइसी आलू बड़ा जलेबी पोहा बना है। तो मैं अपनी प्रिय भाभी जीयों के साथ बैठी हूँ, गपशप लड़ा रही हूँ, बातें कर रही हूँ और गॉसिप कर रहे हैं, चाय ले रहे हैं, मैं नाश्ता ले रही हूँ। चलिए चलते हैं, अब कुछ देर के बाद पूर्वज भाव जी के दर्शन हम आपको करवाने वाले हैं, तो जस्ट कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। चिंकी दीदी और मैं, हम लोग ननंद भाभी लगते हैं या बहने लगती हैं ये बताइएगा जरूर। बहने भी लगती हैं। तो आ गए दीदी हमारे तैयार होके, ये हमारा भांजा। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सब लोग तैयार हैं और पूर्वज भाव जी के दर्शन करवाते हैं आपको कुछ ही देर बाद, जस्ट कीप वॉचिंग। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, सुबह के नाश्ते के बाद सभी फैमिली मेंबर्स हमारे पैतृक घर पर एकत्रित हुए और देख सकते हैं यहाँ पिपलोदा में हमारा मंदिर है घर का
और सभी पूर्वज के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। और ये अरुण भाई साहब ने सीटी मारी और सभी फैमिली मेंबर्स निकल पड़े। जय हो पूर्वज भावजी की जय। आपकी सिटी पे सब चल पड़े। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आनंद आ रहा है। चलिए अब अपने देवता के दर्शन करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। चलिए 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 चलिए। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ गए जहां हमारे कुल देवता बजरंगबली भी विराजमान हैं और पूर्वज के दर्शन के लिए सभी फैमिली मेंबर्स आतुर हैं। देख सकते हैं सभी अपने अपने कार्यों में भिड़ गए हैं और सभी नारियल धूप अगरबत्ती पूजा का सामान लेकर आए हैं और हरीश भाई साहब जो हैं देवता के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, सबसे पहले दूध से स्नान कराया जाएगा पूर्वज बाबूजी को और पूरा विधि विधान से हम लोगों के यहाँ भोग बनता है, पूर्वज को चढ़ाया जाता है बाटी और गेहूं की घुघरी बनाई जाती है दोस्तों, वो चढ़ाया जाएगा। नमस्कार भाई साहब, आपके सानिध्य में बहुत बढ़िया और बड़ा कार्यक्रम हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने पूरे परिवार को संयुक्त होने का मौका हमें दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? कालू भाई साहब तो क्या पता कब क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी रेखा भाभी भी मस्ती में कम नहीं है। क्यों नीता भाभी, स्माइल आई ही गई नीता भाभी के चेहरे पे। और देख सकते हैं दोस्तों आप सभी फैमिली मेंबर्स एकत्रित और इतना अच्छा लग रहा था दोस्तों वाकई में। और ये हमारे छोटे सरकार सचिन भैया के सुपुत्र, देख सकते हैं ढोल बज रहा है और बच्चा नाच रहा है, बड़ी मस्ती में एंजॉय कर रहा है। और पूर्वज देवता के पूजन दर्शन के बाद सभी फैमिली मेंबर्स निकल चुके हैं हमारे एक और खेत पर जहां भैरू बाबू जी का स्थान है दोस्तों। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए मस्त हम लोग पहुंच गए हैं भैरू बाबू जी के स्थान पर। चलिए दिखाते हैं आपको हमारे भैरू बाबू जी का स्थान जहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। हरीश भाई साहब बैठे हैं और बहुत मन प्रसन्न हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सच है परिवार परिवार ही होता है, काका बाबा फैमिली और सभी जब एकत्रित होते हैं और साल भर में जब ये फंक्शन कभी भी होता है तो मैं कभी भी ये मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि भगवान के दर्शन और उसके बाद परिवार के साथ जो ये मौका मिलता है तो मीना का दिल बहुत प्रसन्न हो जाता है। छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ज़्यादा बड़ा परिवार रहा नहीं, लेकिन ससुराल में बहुत बड़ा परिवार मिला, सभी से मिलके मेरा दिल खुश हो जाता है। और ऐसा नहीं कि वीडियो फ़ोटोज़ लेना मेरी हॉबी है, इस हॉबी के साथ भी मैं एंटरटेन सभी फैमिली मेंबर्स के साथ बराबर करती हूँ और बड़ा मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है और साल भर में एक बार ऐसा फैमिली गेट टुगेदर होना ही चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपने हमारे भैरू बाबू जी के दर्शन भी किए होंगे और चलिए अभी चलते हैं आगे। बोलो, परिवार की रक्षा करना बिल्कुल देवियों से और आपका भी आशीर्वाद बना रहे। हाँ बिल्कुल। फिर से बोलो भैरू बाबू जी की जय। खाना वाला नहीं खाया था तो अंदर से आवाज निकल। और भैरू बाबू जी के दर्शन के बाद दोस्तों
अब चलेंगे, आपको लेकर हम चलेंगे तीसरी एक और जगह, जहां हमारे दो पूर्वज और बैठे हैं, विराजमान हैं, उनकी पूजा के लिए। और देख सकते हैं आप, पेड़ की छाव में कुछ फैमिली मेंबर्स आगे आ गए थे, तो वो बैठे थे आराम से और बड़ा मज़ा ले रहे थे, और सब उतर रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए चलते हैं, आपको हमारे पूर्वज का स्थान दिखाते हैं। और ये है दोस्तों हमारे पूर्वज का स्थान, जहाँ हमारे छोटे और बड़े पूर्वज विराजमान हैं। यहाँ भी हरीश भाई साहब और रवि पूजा कर रहे हैं, और सभी फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे आ रहे हैं। सब खिंचाई करूंगी इनकी, रुको तो सही आप। हाय हेलो, कैसा लग रहा है? ओके, पिपलोदा में एंजॉय करिए। बोलो इधर से, बोलो कोई। तो पूर्वज बाबूजी से मीना की यही प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें, और सभी इसी तरह साल में एक बार आते रहें। और अब मैं आपको ले आई हूँ दोस्तों आशीर्वाद परिसर, पिपलोदा में ये छोटा सा एक भवन है जहाँ पर सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको। और हमारे यहाँ रसोई में बनता है लड्डू, दाल, बाफले, पुलाव, कढ़ी, वही खाना भोजन बना है। और सभी इनवाइटेड हैं, पिपलोदा के कुछ सदस्य, और देख सकते हैं आप सभी फैमिली मेंबर्स भी आ चुके हैं। और ये पिपलोदा के भैया लोग सभी देख सकते हैं कैटरिंग कर रहे हैं, और लड्डू, दाल, बाफले, लड्डू भी आ चुके हैं सामने, पुलाव बना है, और ये बाफले बन चुके हैं, देख सकते हैं आप। नमस्ते, जय जिनेन, जय जिनेन। चलिए आखिर में एक नज़र आपको फिर सभी फैमिली मेंबर से मिलवा देती हूँ मैं। सभी भोजन ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। हाँ, आपका हाय बहुत प्यारा है, लाएगा हर वीडियो में, हर वीडियो में हाय। जय श्री कृष्ण। अंकित भैया, जय महादेव। जी, अहमदाबाद की पार्टी, कितना टाइम है आपके? आप भी इनवाइटेड हैं वैसे हमारी तरफ से भोजन पे? इनवाइटेड तो है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। काकी साहब प्रणाम। प्रणाम जी। आपको इनवाइट किसने किया है? नहीं, मेरे को इनवाइट किसी ने नहीं किया, मैं तो अपने आप आ गई। मैं तो आ सकती हूँ कौन? बिल्कुल, बिना बुलाए। कृष्णा, हम सब एक साथ खाना खाएंगे फिर। खमागणी साहब, खमागणी। और आखिरी पंगत में दोस्तों सभी भाभियाँ और हम सभी एक साथ भोजन पर बैठे। और ये सबसे अंत में रतलाम से मेरी मामा फैमिली आई, सभी भाभियों से मैं मिल रही हूँ, और मामी साहब भी आए थे। सभी को देखकर बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे मेरा मायका ही आ गया हो। बहुत खुशी हुई सबसे मिलके। और आखिरी में सिर्फ यही सब रह गए थे भोजन पे, थोड़ा डिले हो गए थे आने में, तो देख सकते हैं आप बच्चे, भाभियाँ।
भैया प्रदीप प्रमोद मामा साहब साहब सभी भोजन कर रहे हैं और मैं इनसे पूछती भी जा रही थी क्या मंगवाऊं। बहुत अच्छा लगा इनको देख। तो वोरा परिवार के कार्यकर्ता सदस्य बहुत मेहनत किए हैं, धन्यवाद सभी को। और अब भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और शाम 5 बजे तक बाहर ही रहने वाले सभी फैमिली मेम्बर्स निकल चुके थे, सबको विदाई दी। और रात में हम लोग सब फिर अलाव लगाया और संगीता भाभी, अमिता भाभी, हरीश भाई साहब, मोहित भाई साहब, अरुण भाई साहब और हम सभी, ईश्वर अंकल, हम सभी बैठे, अलाव लिया। और तो दोस्तों देखा आपने हमारी वोरा फैमिली कितनी बड़ी है, और कुछ मेंबर्स तो बाकी थे लेकिन फिर भी 40% मेंबर्स आए अहमदाबाद, बांसवाड़ा, कोटा और जहाँ जहाँ से भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, पूरे प्रतापगढ़ से, और सभी फैमिली मेंबर्स आए थे। और देख सकते हैं आप अलाव हमने लगाया है और फैमिली मेंबर्स, भाभियाँ, भैया लोग, सभी बच्चे, हम सभी बैठे एंजॉय कर रहे हैं। और देख सकते हैं दोस्तों आप कड़ी को किस तरह से गरम किया जा रहा है। तो देशी स्टाइल में हमने खाना गरम किया। फैमिली का ये ब्यूटीफुल ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे एंटरटेनिंग ब्लॉग में आने वाले समय में आपको ब्यूटीफुल ब्लॉग बिल्कुल दिखाऊंगी, अपनी फैमिली से एंटरटेन कराऊंगी और बहुत जल्द आपको यात्रा करवाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ, अकेले मीना को इजाजत दीजिए। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल, अखंड ज्योति ब्रह्मांड नायक राजाधिराज बाबा महाकाल की जय हो। नमस्कार। हमारे हरीश भाई साहब को धन्यवाद जिन्होंने खाने के बाद हमें चाय का आनंद दिया है इस देशी स्टाइल में। तो मज़ा आने वाला है, अब हम लोग चाय का आनंद लेंगे और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द।